ग्वालियर की, जहां एक बार फिर नाबालिग रेप की शिकार हुई है। इस बार एक आदिवासी बालिका को गांव के ही एक दबंग ने रास्ते में रोककर जबरन झाड़ियों में घसीट कर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसे पीटा और जान से मारने की धमकी तक दी थी। घटना पुरानी छावनी की है। पीड़ित माँ के पास पहुंची और आप बीती अपनी माँ को सुनाई। माँ बेटी को लेकर थाने पहुंची है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और धमकाने का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। बताया जाता है कि नाबालिग एक आदिवासी परिवार से नाता रखती है। वह अपने परिजन के साथ रहती है। वह 10वीं की छात्रा है। उसका सपना कुछ बनकर माता पिता को इस जीवन से ऊपर ले जाना है। उसके माता पिता मजदूरी करते हैं। दोपहर को वह किसी काम से जा रही थी, तभी तालपुरा तिघरा निवासी राकेश कुशवाहा ने उसे रोक लिया। उसे जबरन सुनसान जगह पर झाड़ियों में खींच कर ले गया था। उसके साथ बलात्कार किया। छात्रा रहम की भीख मांगती रही, लेकिन आरोपी नहीं माना। उससे मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी और दुष्कर्म भी किया। राकेश के वहां से जाने के बाद पीड़ित किसी तरह अपने घर पहुंची। उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। मां उसे लेकर पुरानी छावनी थाने पहुंची, पुलिस को पूरा घटनाक्रम सुनाया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर राकेश के खिलाफ बलात्कार, SC ST एक्ट और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए उसके घर तालपुरा और अन्य कई ठिकानों पर दबिश दी है। सूचना ऐसी है कि पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं कर रही है। पीड़ित की माने तो राकेश की उस पर कई दिनों से नजर थी। पहले भी कई बार वह नाबालिग के साथ छेड़खानी कर चुका था, लेकिन नाबालिग के चुप रहने पर आरोपी की हिम्मत बढ़ती चली गई, जिसका नतीजा यह है कि उसने बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में CSP रवि भदौरिया का कहना है कि नाबालिग की शिकायत पर बलात्कार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के घर और अन्य ठिकानों पर पुलिस टीम ने दबिश दी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें FIR कर ली गई है और बाकी शेष कार्यवाहियां पूरी करके आरोपी को जल्दी से अभिरक्षा में लिया जाएगा।